जाइए। अरे वो कोरोना नहीं बोलने का है। तो हम लोगों ने दिया जला दिया। पहली बात तो लग रहा है कि वो लोग चाइनीज है, उनके आप लोग लेके आए क्या वायरस। तो आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज रात को 9:09 पे हम लोग भी यहाँ पर दिया जलाने वाले हैं। अगर ये एक गुड कॉज के लिए है तो हम ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आज रात को हम भी यहाँ पर दिए जलाएंगे। अभी बज रहे हैं 1:00 और मैंने अभी दोपहर का अभी थोड़ा थोड़ा काम ख़त्म किया है मेरा और यहाँ पर आप लोगों से बात करने के लिए वापस मैं हाजिर हो गया। तो कैसे हैं आप लोग सब? वो देखो ये हमारे पड़ोसी के डॉगीज मेरे पे भड़कते ही रहते हैं, पता नहीं क्या किया मैंने इन लोग का। कुछ बिगाड़ा नहीं है तुम्हारा भाई मैंने। और इस वीडियो में वापस से कोशिश करूँगा कि थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स डालूँ, अपनी लाइफ के बारे में आपको बताऊँ और थोड़ा सा मज़ा भी करेंगे। बट उससे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उसके थोड़े टाइम के बाद इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना। यूजुअली मैं रात को ही वीडियो पोस्ट करके सो जाता हूँ, 15-20 मिनट वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट्स पढ़ता हूँ और इतना मज़ा आता है ना। और मैं रेशमा को बताता हूँ, अपने घर वालों को बताता हूँ कि देखो आप लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है ना वो प्यार पा के, जो मुझे इतना बूस्ट मिल रहा है ना अभी कि ऐसे वीडियो बनाते ही रहूँगा। और मैं जो कल वीडियो डालने वाला हूँ वो मेरी लाइफ से रिलेटेड थोड़ा सा है, तो आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए और उतना ही बूस्ट मुझे दीजिए कि मैं उस वीडियो को और भी अच्छे से बना सकूँ। आप लोगों ने भी दिए जलाए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप कहाँ पर रहते हो और वहाँ का सिचुएशन कैसा था, कहाँ दिए जलाए थे। और इंस्टाग्राम में भी मुझे बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। मोस्टली मैं क्या सबको मैसेजेस पे, जैसे कि आप कमेंट करते हो तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। एक बार रिप्लाई कर दिया ना तो उसके बाद अगर आप कमेंट करते हो ना तो मुझे मिलता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको अगर कुछ सवाल जवाब है ना इंस्टाग्राम में आओ, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करो तो मैं उसका जवाब मोस्टली मैं दे देता हूँ। और बात करके ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली बढ़ रही है, हम जुड़े जा रहे हैं। और प्लीज़ ऐसा सोचना कि आपका एक बड़ा भाई या छोटा भाई या आपका एक दोस्त यहाँ अमेरिका में रह रहा है, कोई भी सवाल हो बिंदास बेहिचक मुझसे पूछना। क्या कर रही है? अटेंडेंस। अटेंडेंस ले रही है? ये कौन है, स्टूडेंट है सारे? हाँ। हेलो, से हाय इन द कैमरा एवरीबॉडी, से लाउडर। तो अभी ऐसा चल रहा है हमारा काम, देखो ये चल रही है ऑनलाइन, 15 मिनट के लिए लेट हूँ। उसके बाद जो अभी शाम को मेरा भी ऐसे ही काम चालू हो जाएगा, so few items I will tell you. और फिर so, वो काम चलेगा 4:30-5 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद रात को फिर हम लोग 9:09 पे दिए जलाएंगे यहाँ पर। तब तक के लिए मैं थोड़ा आराम करता हूँ और फिर बाद में आप लोगों को मिलता हूँ, ठीक है? रेशमा, क्या बोलना चाहेगी मेरे सब्सक्राइबर्स को, सब अपने दोस्तों को? शेयर करो रोहन विरदी को और हम, हमारा बहुत बहुत प्यार है आप लोगों को। भाई बूंद बूंद से सागर बनता है और मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स आए हैं और मेरा अभी 5000 सब्सक्राइबर्स का मिशन पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट मिशन है 10,000 सब्सक्राइबर्स, उसके बाद और कड़ी मेहनत। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और अभी मैं सीख रहा हूँ कलर करेक्शन करना अपने वीडियोस को, तो मतलब आगे चल के मैं वीडियोस में और भी अच्छे से कलर करेक्शन कर पाऊँगा। होपफुली मैं अच्छे से सीख जाऊँ। और एक वर्कशॉप भी है, वो भी मैं अटेंड करने वाला हूँ। अभी नहीं, आज नहीं करूँगा, कल करूँगा वर्कशॉप अटेंड। वो ऑनलाइन वर्कशॉप है तो मैं रजिस्टर करूँगा आज रात को और कल मैं उसको अटेंड करूँगा। और होपफुली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको और अच्छे से कलर करेक्शन करके आप लोगों को पेश कर पाऊँगा। उसके बाद मैं सो गया लाइक आधे घंटे के लिए, बाद में मेरा काम स्टार्ट हो गया। और अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं घर से निकला और बाहर आपको सोचा कि थोड़ा रात का नज़ारा भी आपको दिखा दूं। और मैं अभी भी डाउटफुल हूं कि भाई ये लोग घर खाली करके अचानक से चले क्यों गए, कहां चले गए। अभी मैं पता कैसे लगाऊं कि कहां गए, क्योंकि देखो अभी सेल पर डाल के गए और एक नंबर छोड़ के गए। मैं ये नंबर पर फ़ोन करूँगा कल और पता करूँगा कि क्या हो गया सीन इन लोग के साथ, कि अचानक से क्यों चले गए। क्या आसमान है यार, सीरियसली इतना खूबसूरत है यार। तो ये देख लो हाल, ये देखो ऐसा ऐसा हमेशा ऐसा रहता है, सब अपने अपने घर पे रहते हैं, कोई बाहर नहीं आता है, कोई भी नहीं। मुश्किल से आप गाड़ी जाते हुए देखोगे, देखो अभी रोड देख लो, ये देखो रोड दिख रहा है आपको, ये खाली, ये देखो ये भी खाली, ये मेन रोड है, ये देखो हमारी गाड़ी इधर खड़ी है, वो रोड देखो पूरा खाली, कोई भी नहीं। पर क्या आसमान है यार, सीरियसली
इतने टाइम के बाद मैंने ऐसा आसमान देखा यार, क्या ब्यूटीफुल है यार। तो आप लोगों ने दिए तो जलाए होंगे और अब हमारी बारी है, तो जैसे ही सबका काम खत्म होता है ना जलाऊंगा। और बहुत भूख लग रही है यार, अब भी वापस से भूख लग रही है आपको। मैं वही सेम चीज़ें नहीं दिखाना चाहता हूँ। दोपहर में हम लोगों ने पास्ता खाया था और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, थोड़ा हल्के फुल्के अंगूर खा लिए मैंने जब काम कर रहा था उसके बीच में। और फिर अब मैं घर पर जाऊँगा, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ और फिर बाद में बहुत सारी बातें करनी है मुझे, बहुत कुछ बताना है आप लोगों के यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ पर हम लोग कैसे रहते हैं, कैसी दिवाली, कैसी ईद और कैसी हम लोग यहाँ पर होली सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बतानी है आप लोगों को। तो प्लीज़ आप मेरा ये चैनल देखते रहिए। बताऊँ क्या मज़ा आ रहा है यार, थैंक यू सो मच जिसने इसने फॉलो किया है और जितने लोगों ने मैसेज किया है, आई लव यू ऑल यार, सीरियसली क्या फील आता है यार। तो अभी आप लोगों के थोड़े से मैसेजेस पढ़ता हूँ, एक दो लोगों के, और आप लोगों को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो पहला किसका मैसेज पढूं, मैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो अभी ये मैसेज है प्रभात जायसवाल का और ये हैं हमारे, कहाँ से हैं ये, उन्होंने मेरा कुकिंग का, जब भी मैं खाना खा रहा था ना कल, तो खाना खा रहा था वो तब बना रहे थे खाना। आई एम इन मोहाली पंजाब, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट इफ़ यू पॉसिबली देन प्लीज़ सेव मी इन योर अपकमिंग वीडियो। देख भाई प्रभात जायसवाल, थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपने इतना टाइम निकाला, मेरे वीडियो को देखा और उस पर इतना अच्छा कॉमेंट किया, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जहाँ भी रहो आप सुरक्षित रहो, सेफ रहो और प्लीज़ बाहर मत जाना, यहाँ तो बस यही है। अभी किधर और जाते हैं और वहाँ बैठ के बात करते हैं, यहाँ थोड़ा अनकम्फर्टेबल हूँ। और अब मैं ये दूसरा क्वेश्चन एक लेता हूँ और उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि भाई कौन कुछ पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है। तो अभी देखता हूँ कोई इंटरेस्टिंग कुछ और हाँ, आप लोगों को एक बात बतानी है कि भाई मेरे पास ना ये मास्क नहीं है और जो मेरा एरिया है ना, ये ठीक है यार, मैं किसी से टच नहीं करता हूँ, बाहर जाता हूँ तो अभी मैं इधर भी हाथ लगा लिया, गलती कर दिया, घर पे जाके हाथ धो लूँगा, उसके पहले मैं मुंह पे हाथ नहीं लगाऊंगा। तो एक जय डायरी करके वो बोलते हैं कि आई लाइक द वे यू स्पीक, योर कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सन्टी ड्रीम्स हैज़ इंट्रोड्यूस्ड योर चैनल, विल वॉच मोर कॉन्टेंट वेन कंडीशंस विल बी गुड, आई ऑल्सो मेक व्लॉग्स अबाउट ट्रैवल। क्या बात है यार, जय डायरी ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया और थैंक यू सो मच संटी भाई को जिसने आपको मुझसे मिलाया है। यू गाइस आर डूइंग इवनिंग वॉक? यस। वाओ, सो वेयर डू यू लिव अराउंड हियर? इज इट फार? अ फ्यू ब्लॉक्स अवे। सो हाउ मेनी माइल्स डिड यू वॉक टुडे? वी वॉक लाइक दिस इज थर्ड टाइम वी गोइंग अराउंड, लाइक द होल थिंग। या वी हियर वी गोना गो टू द अपार्टमेंट एंड देन वी गोना गो अराउंड। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द होल क्वारंटाइन थिंग? ओह माय गॉड, इट्स अ रियली स्कैरी। इफ यू गाइस आर वर्किंग फ्रॉम होम? या ओह वेल, नो he works like few days a week now because his job is not enough business, so That's it. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you so much. Have okay. a good day. Be have safe. Be safe. Yeah, okay, you too. Be safe. Okay, bye bye. Thank you. तो भाई ये लोग भी इधर ही आजू बाजू में रहते हैं, वॉक कर रहे थे यहाँ पर, तो मैंने उन लोगों से बात कर ली। पहली बात तो लग रहा है कि वो लोग चाइनीज़ है, उन लोग को पूछना चाहिए था कि आप लोग ले क्या है क्या वायरस? नहीं यार, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, अच्छे लोग थे। मैंने उनको बोला कि चलो बात करता हूँ उनसे, बात करके देखता हूँ कि भाई क्या सीन है, आप लोगों को क्या लगता है। तो ऐसे वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग घर से काम कर रहे हैं, कभी कभी ऑफिस जाते हैं, अभी तो ऑफिस कोई भी नहीं जा सकता, बट अच्छा लगा उनसे बात करके, कोई ना कोई मिल जाता है, बात करता है। देखो इतनी रात हो गई अभी, फिर भी वो लोग यहाँ वॉक कर रहे थे। ये रही मेरी लाइट, ये लाइट लगा के मैं शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक बैठ के आप लोगों से बात करूंगा, अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा, वो इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको मज़ा आएगा। उसके बाद मैंने सोचा है कि अपना ड्रोन उड़ा डालूंगा अपने घर से। मेरा ड्रोन कम से कम ना 6-7 किलोमीटर दूर तक जाता है, तो आप इमेजिन कर लो, यहाँ से उड़ाऊँगा 6-7 किलोमीटर का पूरा जो एक यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर जहाँ पर ना उसका एक छोटा सा फार्म हाउस है एक बंदे का, गांव जैसा है टाइप, तो वहाँ पर मैं ड्रोन लेके जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा, घोड़े हैं उसके पास, अलग अलग जानवर है, सुपर फील है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा और ऊपर से बताता भी रहूँगा कि ये क्या सिचुएशन है, कहाँ पर है। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ वापस, देखो रात को ये फील है यहाँ का। अब मैं लाइट हटा दूँगा तो देख लो क्या है, लाइट लगा रहा हूँ तो ऐसा है, देख लो, ये देखो पेड़,
सुबह इतना खूबसूरत लगता है ना एक एक जगह, जैसे हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं ना कभी कभी ड्राइव करते हैं तो सुबह इतना खूबसूरत होता है, और जैसे ही उस जगह पर आप रात को जाओगे ना, सच बताता हूँ फट जाएगी, सच्ची बोलता हूँ झूठ नहीं बोलूँगा, सच में बोलता हूँ फट जाएगी। अभी देखो यहाँ पर ये देखो लाइट नहीं है भाई, गुमनाम है कोई, ये हमारा कचरे का डब्बा अभी रखना पड़ेगा साइड में, बाद में रखूँगा घर पे जाते हैं। अभी देखो लाइट नहीं है ना, ये देखो कितना अंधेरा, और देख लो इसीलिए मैं इतनी बड़ी लाइट लेके अपने साथ घूम रहा हूँ। देखो भाई ये मेरी लाइट देख लो आप लोग खुद ही इमेजिन कर लो, खोलो चलो। और जिस दिन मैंने मेरा YouTube चैनल बनाया था ना, उस दिन मैंने सोच लिया था कि अगर रोहन तू ये ब्लॉग्स करना है, तुझे वीडियोस बनाने हैं, तो किसी से कुछ छुपाना मत। अभी अपने सब्सक्राइबर से मैं कुछ सब्सक्राइबर नहीं, मेरे दोस्त बन गए आप लोग, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं सकता। मैं कब उठता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ घूमता हूँ, मेरा घर कैसा है, मेरे कपड़े कैसे हैं, क्या है मेरे पास, मेरी फैमिली कैसी है, वो सब आपके साथ शेयर होएगा। क्योंकि अभी ये मेरी चॉइस थी कि मैं व्लॉग्स बनाऊं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस व्लॉग में मैं ज़्यादा आपको मैं ये अमेरिका के बारे में नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि यार मैं बाहर ही नहीं गया, सुबह से काम कर रहा था। तो अगर आपको अमेरिका देखना है और मैंने नहीं दिखा पाया तो आई एम रियली सॉरी, आपको अगर मेरी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है तो। बट मैं ट्राई करता हूं अपने हर व्लॉग्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट करना, कॉमेंट करते हो ना तो दिल बाग बाग हो जाता है। चलो ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, मैं जाता हूँ नहाता हूँ, उसके बाद आपको जब दिया लगाने का टाइम आएगा ना तब मिलूँगा, ठीक है। तो पहले पूरा तैयारी कर लेते, दिया जलाने का टाइम हो गया। दिया जला दिया, बोलना क्या है वो बता दो। गो कोरोना। ब्रो गो गो कोरोना ऐसा बोल रहे हैं ना क्या? क्या बोल रहे हैं? गो कोरोना कुछ नहीं, हम लोग ने क्या अभी आप लोग इंडिया में यूनिटी यूनिटी अपना यूनिटी पीस एंड यूनिटी, कहां पर भी हम लोग रहेंगे, किधर भी, चाहे वो इंडिया हो अमेरिका हो या किधर भी रहे, हम लोग वही करेंगे जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए, जो कि मानना हमारे बड़े बुजुर्गों की बात, प्राइम मिनिस्टर की बात मानना तो बहुत ज़रूरी बनता ही है। इसका मतलब क्या है कि भारत एकजुट होके एक साथ एक चीज़ कर सकता है, और भारतीय होने के कारण हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग यहाँ पर भी दिए जलाएं। ये हमारी एक भारतीय, उनका नाम है जिगीशा पटेल जो कि मीरा रोड में रहती हैं, ये हमारी प्यारी रेशमा जो कि मीरा रोड में रहते हैं, ये हमारे मोहसिन भाई फ्रॉम मलाड, मोहसिन भाई फ्रॉम मलाड, और हम रोहन विरदी फ्रॉम मीरा रोड, हम सब मीरा रोड वाले भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने दिए जला दिए, ये लाइट की ज़रूरत पड़ी हम लोगों को, सॉरी, क्योंकि अगर ये लाइट नहीं रखूँगा ना तो बहुत अंधेरा हो जाएगा, आप लोगों को हम लोग दिखेंगे नहीं। हम लोगों ने सिर्फ दिए जला दे, छोटी सी दिवाली मना ली, हम लोगों ने बता दिया कि हम लोग यूनिटी में हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पीस एवरीबॉडी, पीस यहाँ पर भी रहो, आप लोग सेफ रहो, सब जल्दी ठीक हो जाए, या सब जल्दी ठीक हो जाए और सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाए, यही हम लोग प्रे करते हैं, दुआ करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, और प्लीज़ भूलना मत आपको कॉमेंट करना है, और बी सेफ, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। क्या ये दिए इधर ही जलते रहेगा? हाँ, जलने तो पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, ऑयल खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं आने का, नहीं चल ठीक है, चलो पब्लिक भी दिया जलाए।